Hello students, welcome back. In this lecture, we will understand class 12th chapter matrices exercise 3.2. In this, we will understand how to add, multiply and subtract two matrices. So let's start. These are question number 1. These are our matrices A, matrices B and matrices C. First, we have to find A plus B. It is quite simple. That is, A is 2, 3, 4, 2 plus 1, minus 2, 3 and 5. So, A, two matrices will add of corresponding values. Addition of corresponding values. यानी कि इसकी जो corresponding value है, 2 and 1 केवल वही add होगी. Same place वाली. 4 and 3 add होगा. 3 and minus 2 add होगा. और 2 एंड 5 8 होगा. इसके अलावा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पर रहेंगे. लाइक 2 प्लस 1 दिस 2 एंड दिस 1. नेक्स्ट 4 प्लस 3 3 माइनस 2. इट इज एक्चुअली प्लस बट ड्यू टू द माइनस इट विल बी माइनस 2 प्लस 5. सो आंसर विल बी 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 and 3 minus 2, 1, 2 plus 5, 7. This is the answer. Then our matrices, answer of A plus B will be 3, 7, 1, 7. Okay, next, A minus B. It is also very simple. 2, 3, 4, 2, minus 1, 3, minus 2, 5. That is, subtraction of corresponding values. Meaning 2 minus 1, 4 minus 3, 3 minus minus 2, that is 3 plus 2, and 2 minus 5. So answer will be 2 minus 1, 1, 4 minus 3, 1, 3 plus 2, 5. And 2 minus 5 minus 3. So final answer of A minus B will be 1 1 5 minus 3. Next, 3A minus C. It means we have to thrice matrices A, then we will subtract matrices C. Okay, let's start. 3 into 2, 3, 4, 2 minus matrices C. This is our matrices C. Minus 2, 3, 5, 4. So, answer will be that 3 to the 6, first we will multiply. 3 to the 6, 4 3 is 12, 3 3 is 9, 3 to the 6, and minus, minus 2, 5, 3 and 4. Always remember, जब भी हमारे पास किसी matrices के आगे अगर कोई number multiply हो रहा है, तो उस मैट्रिसेस की वैल्यू दैट टाइम्स हो जाती है. मतलब जैसे यहाँ 3a था तो a की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी. यानी कि 3 का मल्टीप्लाई उसके सारे एलिमेंट्स में होगा. इन दोनों को हम लेस करते हैं यहाँ पर. तो आंसर विल बी 6 माइनस माइनस 2, 6 प्लस 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4. सो आंसर विल बी 6 plus 2, 8, 12 minus 5, 7, 9 minus 3, 6, and 6 minus 4, 2. This is the answer of 3a minus c. Now, next is multiplication. That is a different thing. How to multiply two matrices. A multiplied by B. Okay.
A is 2, 3, 4, 2 and B is 1, -2, 5, 3 and 5. This is 3. Okay. Now, अभी तक हमने जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया है मैट्राइसेस का, उसमें हमें केवल ये देखना होता था कि हमारी मैट्राइसेस का ऑर्डर सेम है, तो हम करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती थी उन्हें ऐड कर लेते थे या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट मल्टीप्लिकेशन जब हमें करना होता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों का ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर यानी कि दिस इज द 2/2 एंड दिस इज ऑल्सो 2/2। अब हमें आंसर प्रिडिक्ट करना है, आंसर कैसा होगा, किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आंसर का ऑर्डर जो है वो हमें प्रिडिक्ट करना है। यहाँ से हमें पिक करना है रो एंड यहाँ से करना है कॉलम। देन फर्स्ट रो का, सॉरी फर्स्ट मैट्राइसिस का जो नंबर ऑफ रोज होती हैं और सेकंड मैट्राइसिस का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, उस ऑर्डर का हमारे पास आंसर आने वाला है। इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि आंसर्स में हम मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए। तो आंसर विल बी 2/2। ओके, 2/2 में फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा A11। तो A11 फाइंड करना है, मतलब हमें ये चीज अच्छे से माइंड में रखना है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब विच फर्स्ट रो एंड विच फर्स्ट कॉलम, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा फर्स्ट कॉलम और कौन सा रो, तो ये जो रो लेना है हमें, ये हमें पिकअप करना है अपने फर्स्ट वाले मेट्राइसिस से, और जो ये फर्स्ट कॉलम पिकअप करना है ये हमें करना है सेकेंड वाले मेट्राइसिस से। मीनिंग दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम A11। और करिस्पोंडिंग मतलब हमने करेंगे वन एलिमेंट को वन एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करना है, मीनिंग 2 × 1 प्लस 4 × -2। एक और चीज हम देखते हैं वापस, एक एलिमेंट हमने किया, देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है एलिमेंट नंबर A12। A12 मीनिंग मतलब क्या हुआ, हमने यहां अभी बताया कि जो ये फर्स्ट नंबर है ये हमें पिकअप करना है अपने फर्स्ट मैट्रिसेस से, और सेकंड कॉलम हमें लेना है सेकंड मैट्रिसेस से। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मतलब जिस वाली रो का हमें मल्टीप्लाई करना है इस वाले कॉलम में, यानी कि 2, 3 जा 6। और मैं अगर थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, 2 × 3 एंड 4 × 5, 4 × 5। नेक्स्ट नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास एलिमेंट नंबर आता है A21। यहां पर जिसकी पोजीशन होती है 21, मीनिंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो किसका, फर्स्ट मैट्रिसेस का, फर्स्ट कॉलम किसका, सेकेंड मैट्रिसेस का। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 × 1 एंड 2 × -2। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास होता है A22। आई होप अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। A22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि अब 3 और 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है 3 और 5 में। तो 3 3 जा प्लस 2 5 जा। तो फाइनली हम आंसर अगर कैलकुलेट करें, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, नाउ 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 -4, 3 3 जा 9 प्लस 10। सो हमारे पास जो आंसर होगा वो फाइनली यहां पर होगा 8 − 2 -6, 6 + 20 26, 3 − 4 -1 एंड 9 + 10 19।
दिस इज द आंसर ऑफ आवर प्रोडक्ट ए इंटू बी, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। सो आप b इंटू ए बी कैलकुलेट कीजिएगा। इसी तरह से हम 3 by 3 मैट्रिसेस का भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो भी अवेलेबल है मैट्रिसेस, उसमें ये जो है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। नाउ मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ मल्टीप्लीकेशन के लिए लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 क्वेश्चन। हमारे पास दो मैट्राइसेस है अगेन, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पहले हम दोनों का ऑर्डर देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर देखा, तो ऑर्डर के लिए 2 rows in 3 columns, इट मीन्स दिस इज 2 by 3 एंड दिस इज 3 row and 2 column, इट्स ऑर्डर इज 3 by 2। ओके, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक चीज बताई है कि हमारे पास ये जो बैक साइड में यहां पर लास्ट और यहां पर जो फर्स्ट है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यस इट इज इक्वल। तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है दीज एंड दीज, इसका रो और इसका कॉलम, यानी कि आंसर विल बी टाइप ऑफ 2 by 2। मल्टीप्लीकेशन में हमें स्पेशली ध्यान रखना है, ये चीज आपने अच्छे से कर लिया तो आपका क्वेश्चन आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। सो आंसर विल बी ऑफ 2 by 2 बिकॉज इट्स रोज एंड इट्स कॉलम्स। लेट्स स्टार्ट, द फर्स्ट एलिमेंट विल बी ए 11, दैट इज फर्स्ट रो लेना है किसका, फर्स्ट वाले मैट्रिसेस का, एंड फर्स्ट कॉलम हमें लेना है सेकंड वाले मैट्रिसेस का, मीनिंग इस वाली रो में हमें मल्टीप्लाई करना है इस वाले कॉलम का। 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3 into 2 प्लस -1 into 1 -1 into 1 प्लस 3 into 3, दिस इज अवर 11 एलिमेंट नंबर 11। नेक्स्ट एलिमेंट इज A12, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, दिस द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 into -3 प्लस -1 into 0 प्लस 3 into 1। नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट इज A21, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -1 into 2 प्लस 0 into 1 प्लस 2 into 3 एंड द फोर्थ एलिमेंट इज A22, मीन्स दिस सेकेंड रो एंड दिस सेकेंड कॉलम, -1 into -3 प्लस 0 into 0, 0 into 0 इज नथिंग बट 0, 2 into 1, that is 2. So our answer will be 3 to the 6 -1 +9, here 3 to the -9 +0 +3 and -2 +0 +6 and +3 -+ +0 +2. So six minus one 5 and 9 + 5 = 14. -9 + 3 = 6, -6, -2 + 6 + 4 and 3 + 2 = 5. This is our answer. I hope अब आप बड़े जो मैट्राइसेस होंगे उनको भी अच्छे से मल्टीपल कर पाएंगे और एक्सरसाइज 3.2 को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।